हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं मसल्स फाइबर के बारे में यानी पेशीय तंतु के बारे में बता रही हूँ। इससे एक दो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों, ये जो मसल्स फाइबर होता है, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी तरह मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई यानी मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई जो है, ये पेशी तंतु होते हैं यानी फाइबर्स होते हैं। यानी पेशी तंतुओं से मिलकर मांसपेशी बनता है, ठीक है। अब फाइबर को माइक्रोस्कोपिक रूप से देखने पर देखा गया तो उसे वैज्ञानिकों ने के नाम दिया मायोफाइब्रिल, ठीक है। अब इसी मायोफाइब्रिल यानी फाइबर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंडोमायोसियम है। दोस्तों, फाइबर के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ रहता है वो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है, उसी प्रकार फाइबर के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और फाइबर जिस परत से चारों तरफ से घिरा रहता है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोशिका चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, उसी तरह ये फाइबर जो है सार्कोलेमा से चारों तरफ से घिरा रहता है, ठीक है। एंड हमारे शरीर में दो प्रकार की मसल्स फाइबर पाई जाती हैं। रेड मसल फाइबर, जिसे स्लो ट्विस्ट फाइबर भी बोलते हैं। दूसरा है व्हाइट मसल फाइबर, इसे फास्ट ट्विस्ट फाइबर बोलते हैं। जो रेड मसल फाइबर है यानी जो स्लो ट्विस्ट होता है, वो एरोबिक क्रियाओं में ज्यादा सहयोग करती है। एंड एंड्योरेंस वाली गेम, लंबी दूरी की दौड़े में रेड मसल फाइबर ज्यादा वर्क करती है। और यह सबसे ज्यादा माइटोकांड्रिया यानी रेड मसल फाइबर में माइटोकांड्रिया की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे क्वेश्चन रेड मसल फाइबर से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एरोबिक क्रियाओं में किस मसल फाइबर का उपयोग होता है, कौन सा मसल फाइबर ज्यादा पाया जाता है, तो रेड मसल फाइबर यानी स्लो ट्विस्ट फाइबर। एंड इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इंड्योरेंस वाले गेम यानी लंबी दूरी की दौड़ों में किस मसल फाइबर का उपयोग होता है, तो रेड मसल फाइबर। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकांड्रिया सबसे अधिक किस फाइबर में पाया जाता है, किस पेशी तंतु में पाया जाता है, तो रेड मसल फाइबर में। और रेड मसल फाइबर में सबसे ज्यादा क्या होता है, सहनशीलता अधिक होता है और व्हाइट में कम। अब देखेंगे व्हाइट मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर क्या होता है? फास्ट ट्विस्ट होता है। फास्ट ट्विस्ट होता है तो ये अन एरोबिक क्रियाओं में, जो छोटी समय की क्रियाएं होती हैं, जबकि एरोबिक लंबे समय की क्रिया होती है। एनएरोबिक क्रिया, छोटे समय की क्रियाओं में व्हाइट मसल फाइबर का प्रयोग होता है। जैसे स्प्रिंट दौड़े हो गया, 100-200 मीटर की दौड़े, ये सब क्या है? स्प्रिंट दौड़े हैं। तो इस प्रकार इसे पूछ सकता है कि स्लो ट्विस्ट फाइबर किसे कहते हैं, तो रेड मसल फाइबर। या एंड फास्ट ट्विस्ट फाइबर किसे कहते हैं, तो व्हाइट मसल फाइबर। और इस प्रकार से पूछ सकता है कि जो तंतु धीरे धीरे संकुचित होता है वो कौन सी तंतु है, तो रेड मसल फाइबर। जो तेज तेज संकुचित होता है उसे क्या कहते हैं, व्हाइट मसल फाइबर। एंड पेशी तंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। तो दोस्तों, ये था फाइबर के बारे में। दोस्तों, फाइबर में एक्टिन और मायोसिन नाम के दो प्रोटीन पाए जाते हैं, और एक्टिन के भी दो प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। इसके आगे वाले भाग की विस्तृत जानकारी कि हमारी मांसपेशियां कैसे संकुचित होती हैं, तो एक्टिन परत एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पे खिसकने पर ही हमारी मांसपेशियों का संकुचन होता है
और हमारे मांसपेशियों की संकुचन की इकाई सार्कोमियर बोला जाता है। मांसपेशियों की संकुचन की इकाई को क्या बोला जाता है? सार्कोमियर। जैसे पेशी की कार्यात्मक इकाई क्या है? मायोफाइब्रिल यानी फाइबर यानी पेशी तंतु। और उसी प्रकार पेशी की संकुचन की इकाई सार्कोमियर होता है। सार्कोमियर के अंतर्गत एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर खिसकने पर मांसपेशी का संकुचन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था फाइबर के बारे में, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।